सरकार से आठवें दौर की बातचीत से पहले आज किसानों का मंथन, किसानों के 80 संगठनों का रणनीति पर चर्चा। 37वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी, अपनी मांगों को लेकर डटे किसान, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली जयपुर हाईवे बंद, पुलिस ने एहतियात के तौर पर बंद किया हाईवे। टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों का आंदोलन जारी, एहतियात के तौर पर भी भारी पुलिस बल की तैनाती यहां। किसानों के प्रदर्शन के कारण चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरीके से बंद, सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती। अमृतसर में बीजेपी नेता अरुण चुग के घर से बाहर किसानों का प्रदर्शन, कृषि कानून को वापस लेने की मांग। शीतलहर के बीच में शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, किसानों ने कहा जब तक कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता प्रदर्शन जारी रहेगा। नए साल पर प्रधानमंत्री मोदी ने 6 राज्यों को दिया लाइट हाउस प्रोजेक्ट का तोहफा, बनेंगे भूकंपरोधी मकान। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत हर महीने 100 घर बनाने का लक्ष्य, कम समय में गरीबों को आरामदेह घर देने की कोशिश। पीएम मोदी ने कहा यह प्रोजेक्ट हाउसिंग क्षेत्र को नई दिशा देंगे, घर बनाने में कई देशों के तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। शहरी गरीबों के लिए यूपी, एमपी, झारखंड, त्रिपुरा में बनेंगे मकान, गुजरात और तमिलनाडु के शहरी गरीबों को भी मिलेगा भूकंपरोधी मकान। पीएम मोदी ने कहा कुछ साल पहले तक घर खरीदने वालों की बुरी हालत हुआ करती थी, पैसे देने पर भी मकान नहीं मिलते थे। दुनिया ने फिर माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा, अप्रूवल रेटिंग्स में दुनिया के सभी नेताओं को किया पीछे, 55 अंकों के साथ पहले नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी। मंदिर में तोड़फोड़ पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़, डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए दर्ज कराया विरोध। खबर पख्तूनख्वा में हिंदू मंदिर को भीड़ ने तोड़ा था। अब हिंद महासागर में चीन के खुफिया साजिश, फोर्ब्स मैगजीन का दावा, चीन ने हिंद महासागर में तैनात किया अंडर वाटर ड्रोन्स का बेड़ा। जम्मू कश्मीर के लिए पिछले साल की तुलना में बेहतर रहा साल 2020, आतंकी वारदातों और घुसपैठ के मामलों में कमी आई। दिसंबर 2020 में सबसे ज्यादा रहा जीएसटी कलेक्शन, 1.5 लाख करोड़ से अधिक का मिला राजस्व, बीते साल के मुकाबले 12% ज्यादा है। ईपीएफओ ने पीएफ खाते में 8.5% ब्याज जमा करनी शुरू की है, देशभर के करीब 6 करोड़ ईपीएफ सब्सक्राइबर्स के खातों में जमा होगी ये राशि। भोपाल में कल से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राइव रन, इसके जरिए तैयारियों को परखेगा स्वास्थ्य विभाग। देश में कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी पूरी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी ये वैक्सीन। देश के सभी राज्यों में कल से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा 2020 से बेहतर होगा ये 2021। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के ब्रिटेन वाले वायरस की एंट्री हुई, 4 लोगों में हुई है कोरोना के नए स्ट्रेन की पहचान। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 256 संक्रमितों की मौत भी हुई। यूपी में ब्रिटेन से लौटे किसी भी यात्री को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं है, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। चीन में मिला कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पहला केस, वुहान शहर से हुई थी कोरोना संक्रमण की शुरुआत। केरल के कोच्चि में करीब 9 महीने बाद खुले स्कूल, कोरोना गाइडलाइंस के साथ बच्चे लौटे स्कूल। नए साल पर दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का जम करके उल्लंघन हुआ है, 1300 गाड़ियों का चालान काटा गया। मुंबई में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर केवल 35 लोगों पर जुर्माना। नए साल पर दिल्ली में ठंड का टॉर्चर, 1 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान, 14 साल का रिकॉर्ड टूटा। नए साल के मौके पर अयोध्या में रामलला को 56 भोग लगाया गया, मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने अर्पित किए 56 भोग। यूपी में धार्मिक स्थल अयोध्या पर अखाड़ा परिषद का यू टर्न, प्रयागराज में बैठक के बाद किया समर्थन का ऐलान, कहा सीएम योगी खुद एक संत, उनके फैसले का करेंगे हम सम्मान। गाजियाबाद में मकान दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, जीडीए का कर्मचारी गिरफ्तार हुआ। यूपी रोडवेज की हरिद्वार और गया तक बस सेवा की शुरुआत हुई, हरिद्वार में होने वाले कुंभ के चलते लिया गया फैसला, कैसरबाग बस अड्डे से चलेगी स्लीपर बस। यूपी के संभल में गुन्नौर सीट से बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी है, किसानों के साथ मिलकर के बिजली दफ्तर पर कब्जा। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की अवैध संपत्तियों पर बड़ा खुलासा हुआ, 80 संपत्तियों में से 44 बेनामी है, छापे में 11.5 लाख की पुरानी करेंसी भी बरामद। आगरा में बवाल को लेकर के सख्त कार्रवाई, इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 100 उपद्रवियों पर भी केस दर्ज, 11 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सागर में बिजली बिल वसूली करने गए कर्मचारियों के साथ मारपिटाई की गई, मामला दर्ज करके जांच में जुटी है पुलिस। एमपी कृषि मंत्री कमल पटेल की व्यापारियों को चेतावनी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट का उल्लंघन करने पर सीज होगी संपत्ति, एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। नीमच में बीजेपी नेता पर बदमाशों ने किया हमला, बाल बाल बची हैं प्रीति बिरला, बदमाशों ने कार पर चलाई थी इनकी गोली। सरगुजा में मरीन ड्राइव पर बवाल का वीडियो वायरल हुआ है, माय अंबिकापुर साइन बोर्ड में तोड़फोड़ और पिस्टल से फायरिंग करते हुए दिखे बदमाश।
एमपी में आज से 50% छात्रों के साथ खुले कॉलेज। छात्रों के पास ऑनलाइन क्लासेस का भी विकल्प है। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पूर्णिया में आपसी विवाद में युवक की पीट पीट कर हत्याघात लगाया। करीब 1.5 दर्जन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। कामूर में दर्जनों अवैध शराब की भट्टियों को पुलिस ने किया नष्ट। 2000 लीटर की शराब जब्त। 6 लोग भी गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। लग्जरी कार से 300 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। झारखंड के बोकारो में पकड़े गए 2 डायमंड चोर। पुलिस ने आरोपियों के पास से संदिग्ध सामान बरामद किए। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 18 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा गया है। दुबई से लाया जा रहा था यह सोना। राजस्थान के जयपुर में 2 गुटों के बीच में मारपीट। झगड़े में दोनों गुटों के 12 लोग घायल हुए। 7 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया। बिजली कनेक्शन को लेकर के हुआ था विवाद। बीकानेर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और क्रूज के बीच में टक्कर। 1 शख्स की मौत। 4 घायल। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में कोविड वैक्सीन नष्ट करने के जुर्म में 1 शख्स गिरफ्तार। अस्पताल कर्मचारी पर जानबूझकर के कोविड टीके को खराब करने का आरोप लगा है। अमेरिका में तेजी से चल रहा कोरोना वैक्सीनेशन। न्यूयॉर्क में इस महीने करीब 10 लाख लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। नए साल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो संदेश। कहा कोरोना से लोगों को बचाने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती रहेगी।